इस वीडियो से आप सबका इन्वेस्ट करने का नजरिया पूरी तरीके से बदलने वाला है। आप लोग जानना चाहते हो कि कौन से म्यूचुअल फंड्स में हम इन्वेस्ट करें, कौन से म्यूचुअल फंड्स आपके लिए अच्छे रहेंगे। वेल, आज ये वीडियो में मैं आपको इनफैक्ट अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट दिखाने वाला हूँ। होता क्या, मैं जहां पर भी जाता हूँ लोग मेरे से पूछते ही हैं कि कहां पर इन्वेस्ट करें, कौन से म्यूचुअल फंड में हम अपनी SIP शुरू करें। आप लोगों के भी ये सवाल हो सकते हैं, पर अगर मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखा रहा हूँ, मैं आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स दिखा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्जैक्टली आंख बंद करके उन्हें ही फॉलो कर लेंगे, वैसे ही अपनी भी इन्वेस्टिंग शुरू कर देंगे। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको लॉजिक बताऊंगा। अगर मैंने कहीं पर पैसा लगाया है तो क्यों लगाया है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, और मतलब सबकी अपनी एक्सपेक्टेशंस अलग होती है, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल अलग हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस अलग हो सकती हैं। तो डेफिनेटली आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट अपने अकॉर्डिंग। अब शुरू करते हैं, जैसे मैंने बोला विदाउट वेस्टिंग टाइम, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से म्यूचुअल फंड्स में मैं खुद इन्वेस्टेड हूं, बट मैंने आपको ये पहले बता दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी इन्हीं म्यूचुअल फंड्स में जाके इन्वेस्टमेंट अपनी शुरू कर दें। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूं सो दैट आप एग्जैक्टली देख पाएंगे। ऑलराइट, तो यहां पर अब देखो मेरी ना काफी सारी SIPs हैं, हो सकता है किसी की मेरे से ज्यादा SIPs भी हों, कम भी हों, डिपेंड, सबका अपना अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, पर्सनल अपने हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम अलग हो सकती है, आपके ऑब्जेक्टिव अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मेरी ऑल SIPs, मेरी टोटल 12 SIPs दिख रही है। मैं नहीं कहता आप 12 SIPs शुरू करो, एक भी करते हो, दो भी करते हो, वो भी ठीक है, डिपेंड करता है। क्योंकि मैंने कभी एक SIP शुरू करी, वो छोटे अमाउंट से शुरू करी, फिर एक और शुरू कर दी किसी और डेट पे, उसी SIP में अमाउंट बढ़ा दिया। तो मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप सब कुछ देखने वाले हो। दूसरी चीज, मेरा अमाउंट एग्जाम्पल 9 लाख रुपीज़ है, किसी के लिए ज़्यादा हो सकता है, किसी के लिए बहुत कम भी हो सकता है। सो सबका अपना अपना एज और इनकम के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो कोई भी ऐसा नहीं है, कोई अगर आप 500 रुपये में इन्वेस्ट करते हो SIP में तो भी आपको रिटर्न्स मिलेंगे, आप 5,000 करते हो तो भी आपको रिटर्न्स मिलेंगे, आप 5 करोड़ करते हो तो भी आपको रिटर्न्स मिलेंगे, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम यहाँ पर फंड देखते हैं, ठीक है। तो कोई यहाँ पर, मैंने आपको बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, डिपेंड ये नहीं करता कि मैंने कौन से फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, डिपेंड ये करता है मैंने क्यों इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो क्यों को समझते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक 25,000 रुपये की SIP दिख रही है, ये कोटक नैसडेक 100 फंड ऑफ फंड की है। फिर यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल की दिख रही है, वो भी नैसडेक की है। फिर यहाँ पे आपको कुछ गोल्ड सेविंग फंड दिख रहा है मेरा, ठीक है, तो यहाँ पे वो 50,000 की इन्वेस्टमेंट है। फिर आपको ये आदित्य बिरला की दिख रही है, बेसिकली सिल्वर ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट है, जो कि 1 लाख रुपये की है। मैं आपको सब कुछ इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट निफ्टी 50 के अंदर 50,000 की इन्वेस्टमेंट है। फिर S&P 500 के अंदर 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, जो कि हर महीने इन्वेस्ट हो रहा है, डेट भी आ रही है वो। अब ये मत पूछना कि मैंने 9th क्यों लिया, 10th क्यों लिया, मतलब वो मैं आपको बता भी दूंगा, चलो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता मुझे। फिर आप देख रहे हो कि निफ्टी नेक्स्ट 50, इसके अंदर 25,000 रुपये का एक SIP अमाउंट है। फिर आपको कॉन्स की फ्लेक्सी कैप के अंदर 1 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट दिख रही है SIP की। फिर अगेन ये फ्लेक्सी कैप फंड से, यहाँ पे स्मॉल कैप फंड के अंदर 1 लाख रुपये की है, स्मॉल कैप के अंदर दोबारा दिखेगी आपको। फिर यहाँ पर आपको 1 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट दिख रही है अगेन नैसडेक के अंदर, तो नैसडेक में आपको 25,000 की पहले भी दिखाई थी, फिर ये मोतीलाल ओसवाल में भी नैसडेक की थी, तो यहाँ पर मैं काफ़ी बुलिश हूँ तो इसलिए मेरी इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद यहाँ पे मल्टी एसेट फंड आपको ये दिख रहा है, ये 1 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट है, और स्मॉल कैप के अंदर 1 लाख रुपये की फिर इन्वेस्टमेंट है। तो ये टोटल मिला के तकरीबन ये 9 लाख रुपये की SIP है मेरी, जो कि हर महीने इन्वेस्टमेंट होता है। अब ये जो हर महीने इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अब इसमें से मोटा मोटा देखते हैं कि मेरी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पर है। सो एक नैसडेक आपको दिख रहा है, कई लोगों को नहीं पता होगा ये नैसडेक है तो क्यों है, नैसडेक 100 के अंदर इन्वेस्टमेंट है। फिर आपको दिखा यहाँ पे, ये छोटा मोटा मैं हटा देता हूँ, सिल्वर, आई टॉक अबाउट सिल्वर, सिल्वर एंड गोल्ड बेसिकली बोथ है, तो मैं सिल्वर की बात स्पेसिफिकली करूँगा, आप चाहे तो गोल्ड भी लिख लो, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। और उसके बाद निफ्टी 50 है और निफ्टी नेक्स्ट 50 है, तो ये निफ्टी 50 और ये निफ्टी नेक्स्ट 50। कई लोग बोल सकते हैं कि भाई निफ्टी 100 क्यों नहीं लिया, तो उसको भी बता देंगे, कोई बात नहीं। तो इसके बाद इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप, ठीक है। सो स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट ठीक ठीक है, मतलब ओवरऑल पोर्टफोलियो के हिसाब से। फिर एक मल्टी एसेट फंड के अंदर भी है, मल्टी एसेट भी लिख लो चलो। सो ये मेरे बेसिकली डोमेन्स हैं जिसके अंदर मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट्स हैं। सो अब इसे डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ कि क्यों है और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब देखिए है क्या चीज़, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका माइंडसेट होना चाहिए एज एन इन्वेस्टर माइंडसेट। ये जितनी भी मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं इन सबको मैं बोलता हूँ मेरी पैसिव इन्वेस्टमेंट्स हैं।
पैसिव क्यों है? क्योंकि मैं इसे देखता नहीं हूं, मैं इसे ट्रैक नहीं करता, मतलब मुझे देखने की जरूरत नहीं है, पैसे कट गए अकाउंट से, बात खत्म हो गई। आई नीड नॉट टू ट्रैक एवरी डे कि भाई मेरा फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि मेरा विजन अलग अलग है। मैं आपको बताऊंगा कि विजन क्या है, फिर मैं बताऊंगा कि ये सब इन्वेस्टमेंट्स क्यों है। तो पहली चीज तो ये मेरी पैसिव इन्वेस्टमेंट्स है, मैं खुद से नहीं करता, मैं खुद से नहीं देख रहा। आप जो ये नैसडेक वाला देख रहे थे, ये S&P 500 वाला देख रहे थे, और ये जो निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 वाला देख रहे थे, बेसिकली ये जो चीजें हैं, ये दो तरीके के जो म्यूचुअल फंड्स हैं, इन्हें हम इंडेक्स फंड्स बोलते हैं। इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं कि जिसमें आपका पैसा डायरेक्टली इंडेक्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट होता है। अगर आप देखते हो कि निफ्टी 50 के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट है, अब निफ्टी 50 क्या हो गया, NSE के ऊपर टॉप 50 कंपनियां, अगर निफ्टी हमारा बढ़ेगा तो मेरा म्यूचुअल फंड में परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा। सो म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप जब भी पैसा देते हो तो आपको NAV मिलती है, नेट एसेट वैल्यूज मिलती है, तो NAV की पैसा बढ़ जाता है। तो निफ्टी 50 के अंदर जब आप इन्वेस्ट करो, निफ्टी बढ़ेगा आपका पैसा बढ़ेगा, निफ्टी डूबेगा तो आपका पैसा भी डूबेगा, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ऐसा नहीं कि सिर्फ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये थोड़ा सा जो मेरी इन्वेस्टमेंट्स है ना, थोड़ी वॉलेटाइल इन्वेस्टमेंट्स है, मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, क्योंकि इसके अंदर जितना भी पैसा ज्यादातर इन्वेस्टेड है, कमोडिटीज को छोड़ दें या मल्टी एसेट की मैं अभी बात नहीं कर रहा, आप ज्यादातर देखेंगे तो मैं इक्विटी में मेजरली इन्वेस्टेड हूं। तो अगर आप इक्विटी की तरफ ज्यादा इन्वेस्टेड हो तो इक्विटी थोड़ा सा रिस्की होता है, कई लोग डेट को प्रेफर करते हैं, तो कंप्लीटली योर चॉइस। सो इक्विटी के अंदर आपको रिटर्न ज्यादा मिल सकती है, बट यस रिस्क भी ज्यादा रहता है। तो ये निफ्टी का मैंने एग्जांपल दिया। अब निफ्टी 50 मतलब NSE पे टॉप 50 कंपनियां, अब टॉप 50 के बाद जो 50 कंपनियां हैं वो हो जाती है नेक्स्ट 50। तो ये बहुत इनिशियल वाली बात है कि निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 में मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया था। ज्यादातर मैं कहूंगा बिगनर्स को भी मैं सजेस्ट करता हूं कि आप इंडेक्स फंड से शुरुआत कर सकते हो, ये इंडेक्स फंड होते हैं। अब नैसडेक क्या है? नैसडेक जैसे हम इंडिया की बात कर रहे हैं वैसे हम US की भी बात कर सकते हैं। सो US के अंदर जो टॉप 100 IT कंपनीज हैं वो नैसडेक के अंदर आती हैं। अब अगर मैंने डायरेक्टली नैसडेक में इन्वेस्ट कर दिया, नैसडेक बढ़ेगा मेरा पैसा बढ़ेगा, अगर वहाँ की IT कंपनीज अच्छा नहीं करेंगी तो नैसडेक गिरेगा। बट एग्जाम्पल के लिए मैं नैसडेक पे बुलिश हूँ, तो हम इंडियन मार्केट में रह के US मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? इसका एक तरीका होता है कि आप नैसडेक का इंडेक्स फंड खरीद लेते हो। तो मैंने भी वही किया हुआ है, नैसडेक का इंडेक्स फंड खरीदा हुआ है, सो इसमें मेरी इन्वेस्टमेंट है। सिमिलरली S&P 500 क्या है, ये भी एक इंडेक्स है US का ही, इसमें 500 कंपनियां आ जाती हैं US की। अब US की 500 कंपनीज में डाइवर्सिफाइड हो गई ना मेरी इन्वेस्टमेंट, तो इसी तरीके से डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट। अब यार तो US की पूरी इकोनॉमी हिलेगी तो मेरा पैसा हिलेगा, अगर कुछ कंपनीज परफॉर्म करेंगी कुछ कंपनीज परफॉर्म कम भी करेंगी, तो आपको पता है कि जो चाहे निफ्टी 50 हो चाहे S&P 500 हो चाहे नैसडेक 100 हो, कंपनीज परफॉर्म नहीं करती तो वो बाहर निकल जाती है, तो सिर्फ टॉप कंपनीज रहती है इंडेक्स के अंदर। तो ये मेजरली मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि मैं जो पैसा लगा रहा हूँ ये इंडेक्स फंड्स के अकॉर्डिंग भी लगा रहा हूँ, और इंडेक्स फंड्स के अंदर फायदा क्या होता है कि आपके एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है, क्योंकि आपका एक्सपेंस रेशियो कम होता है तो आप समझ सकते हो कि आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है, बस आपको इतना समझना जरूरी है। इसके बाद देखते हैं मेरे बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स के अंदर, ये स्मॉल कैप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है आज की डेट में, तो मैं आपको बता देता हूँ स्मॉल कैप फंड्स में फ़ायदा क्या है और मैं स्मॉल कैप को क्यों प्रेफर मैंने किया हुआ है। मेरी इन्वेस्टमेंट होराइजन थोड़ी सी बड़ी है, जिसकी इन्वेस्टमेंट होराइजन कम है, मतलब अगर आपको 2-3-4-5 साल में पैसा चाहिए तो फिर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट मत कीजिएगा, मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा। अगर आपका होराइजन 5 साल इनफैक्ट 10 साल से ऊपर का है कि भाई मैं जोड़ रहा हूँ, हो सकता है अपने बच्चों के लिए जोड़ रहा हूँ या अपने फ्यूचर के लिए जोड़ रहा हूँ या अपनी रिटायरमेंट के लिए जोड़ रहा हूँ, तो स्मॉल कैप फंड्स आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या होता है, स्मॉल कैप में वो कंपनीज आती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन आज कम है, रिपीट कर रहा हूँ, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन आज कम है, आज वो छोटी कंपनी है बट वही छोटी कंपनी बड़ी कंपनी बन सकती है। तो मैं ऐसा बोलता हूं कि भैया जो स्मॉल कैप है ना, इसके अंदर ऐसी कंपनीज निकलेंगी जो घोड़े होंगे, जो बहुत तेज भागेंगे। आप देखो होता क्या, लार्ज कैप कंपनीज होती है, मिड कैप कंपनीज होती है, स्मॉल कैप कंपनीज होती है। लार्ज कैप कंपनीज हो जाती है हाथी, हाथी चलता दूर तक चलता है बट वो धीरे धीरे चलता है। फिर जो मिड कैप है आप समझ लो ऊंट है, वो चलते हैं हाथी से तेज बट घोड़ा उनसे तेज निकल सकता है, बट इन घोड़ों के बीच में कई सारे गधे भी होते हैं। तो कई कंपनीज होंगी जो बिल्कुल ही नहीं चलेंगी बट कई कंपनीज होंगी जो बहुत बढ़िया चलेंगी। सो स्मॉल कैप फंड के अंदर जब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं बेसिकली घोड़ों के ऊपर बेट लगा रहा हूँ। अब घोड़े मान लो उसमें 50 है,
अब 50 में से 20 बिल्कुल नहीं चलेंगे, बट 30 इतने बढ़िया चल सकते हैं कि वो हाथी को भी पीछे छोड़ सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में ऐसा ही होता है। तो इसीलिए स्मॉल कैप के अंदर लॉन्ग टर्म, क्योंकि मेरा विजन लॉन्ग टर्म है, मैं आपको इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करो, क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर अगर मार्केट गिरती है तो स्मॉल कैप बहुत तेजी से गिर सकते हैं। तो अगर मान लो मार्केट 5% गिरेगी तो ये 10% गिर सकते हैं, ज्यादा भी गिर सकते हैं। तो आपको स्मॉल कैप इज कैन बी लिटिल बिट मोर रिस्की इन शॉर्ट टर्म, पर लॉन्ग टर्म में इसकी रिटर्न्स बहुत अच्छी आती है। आप खुद से रिसर्च कीजिएगा तभी इन्वेस्ट कीजिएगा। मेरा काम है आज सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा, क्योंकि मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट्स है, सो आपके क्वेश्चन हो सकते हैं भी क्यों इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। नेक्स्ट आ जाता है फ्लेक्सी कैप। अब फ्लेक्सी कैप क्या होता है कि जो फंड मैनेजर होता है, ये अब एक्टिव फंड्स की कैटेगरी हो गई, वो मैं अभी इंडेक्स फंड्स की बात कर रहा था। तो पैसिव इन्वेस्टमेंट्स में पैसिव म्यूचुअल फंड से, ऑल्दो जो मैं एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे लिए तो पैसिव इन्वेस्टिंग ही है क्योंकि मैं इसे देख नहीं रहा। बट फ्लेक्सी कैप के अंदर क्या होता है, फंड मैनेजर के पास चॉइस होती है कि वो स्मॉल कैप में भी पैसा लगा सकता है, मिड कैप में भी लगा सकता है, लार्ज कैप में भी लगा सकता है, जहां उसे अपॉर्चुनिटी देखेगी वो फ्लेक्सिबल है। इसलिए फ्लेक्सी कैप में भी मैंने एक SIP डाल रखी है। अब इसके बाद बात करते हैं ये सिल्वर और गोल्ड। वेल, इसके अंदर जो मेरी इन्वेस्टमेंट्स है, अगर आप कंपेयर करोगे तो ओवरऑल पोर्टफोलियो के हिसाब से शायद कुछ लोग कहेंगे कि ये बैलेंस नहीं है जो भी है, बट मुझे, मैं थोड़ा सा सिल्वर पे आज की डेट में बुलिश हूँ, तो थोड़ा सा नहीं, मैं सिल्वर और गोल्ड पे काफ़ी सालों से बुलिश हूँ, तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट्स कर ही रहा हूँ काफ़ी टाइम से, तो क्यों ना एक SIP भी शुरू कर दी जाए। तो मैंने, आपने देखा होगा, सिल्वर की ETF के फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ETF मैं बार बार खरीदूँ तो उससे बढ़िया क्या हुआ, पैसिवली वो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। सो सिल्वर ग्रो करेगा तो मेरा पैसा ग्रो कर जाएगा, सिल्वर डूबेगा तो मेरा पैसा डूब भी सकता है। बट गोल्ड और सिल्वर क्या होता है, ये परफेक्ट हेज होते हैं इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। और इनफैक्ट जो हमारा INR डिप्रिशिएट होता है ना डॉलर के कंपैरिजन में, तो जब आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप ये समझ लो कि आप इनडायरेक्टली डॉलर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। सो आपको रूपी डिप्रिसिएशन से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हमारा रूपी बहुत डिप्रिशिएट हो रहा है, तो आपने देखा होगा गोल्ड भी काफ़ी बढ़ रहा है। सो गोल्ड में मैं तो काफ़ी टाइम से इन्वेस्टेड हूँ, ऑल्दो मेरी जो मेजर इन्वेस्टमेंट्स हैं वो गोल्ड में डबल भी हो गई। अभी SIPs तो बहुत छोटा मोटा अमाउंट आप देख रहे हो उसमें, बट एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि काफ़ी टाइम से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आज की डेट में जो गोल्ड का प्राइस है, यू कैन सी कि अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, और ये रैली मुझे नहीं लगता कि अभी भी रुकेगी। और लॉन्ग टर्म की हम बात करें तो ऐसा तो होता नहीं कि अगर आप किसी अच्छे प्रीशियस मेटल्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका नुकसान होगा, तो इसलिए ये यहाँ पर है। और फिर मल्टी एसेट्स, तो आपका नाम से ही समझ आ रहा है कि मल्टी एसेट्स के अंदर भी एक इन्वेस्टमेंट है। तो ये SIPs के थ्रू इन्वेस्टमेंट हो रही है। अब इससे होगा क्या, तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एग्जांपल के लिए आज मैं अपने रिटर्न्स की चलो बात नहीं करता, वो तो आप मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो यहाँ पर अगर देखिए, मान लेते हैं आप 10,000 रुपये महीने भी इन्वेस्ट करते हैं, सब अपने हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, और एक हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, आप कहते हैं जी मैं तो अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहा हूँ, आज मैं 20 साल का हूँ और मैं 60 साल पे रिटायरमेंट चाहता हूँ, ठीक है, सबके अपने अपने गोल्स हैं, तो 40 साल के बाद मेरे पास कितना पैसा होगा। मैं कहता हूँ अगर आपके पास मिनिमम 12% की भी रिटर्न आ रही है ना, सो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं कि आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड देखोगे तो आपके पास इन्फ्लेशन एडजस्टेड 2 करोड़ रुपया होगा उस टाइम पे। ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, मतलब आज का 2 करोड़ रुपया आपके पास तब होगा। अमाउंट कितना होगा, इन्फ्लेशन को हटा दो तो अमाउंट बन जाएगा वो 11 करोड़ रुपया, ऑलमोस्ट 12 आ रहा है। तो ये जो 12 करोड़ रुपया है, वो आपको लग रहा है 12 करोड़ तो बहुत ज्यादा है, बट भाई वो आज का 2 करोड़ ही होगा। मतलब आज जो 2 करोड़ रुपए से आप सामान खरीद सकते हो वो आप तब खरीद पाओगे ऑलमोस्ट 12 करोड़ रुपए में। तो आप देख रहे हो पैसा कितना डेप्रिशिएट होता है। बट अगर आपको 12 की जगह अच्छी रिटर्न्स मिल जाती है, एग्जांपल आपको 15% की रिटर्न मिल जाती है। मैं आपको ये भी बता दूं, इंडिया हमारा एक ऐसा कंट्री है जो डेवलपिंग कंट्री है, हम इंडिया के अंदर जो रिटर्न्स ले सकते हैं ना, वो और कंट्रीज में नहीं मिलती। अगर आपको बैंक में आज की रेट में 6% 7% का सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट मिल रहा है, आप देखना इंटरनेट पर पढ़िएगा, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट भी होता है, आपको बैंक में पैसा रखने का ब्याज मिलता है। स्विट्जरलैंड में एग्जाम्पल के लिए, अगर आप बैंक में पैसा रखते हो तो आपका पैसा कम हो जाता है, तो वहाँ पर नेगेटिव इंटरेस्ट रेट भी है। सो बैंक्स क्या कह रहे हैं कि पैसा हमारे पास रखोगे तो हमें पैसा चाहिए आपका पैसा सिक्योर रखने के लिए, और लोग तब भी पैसा रखते हैं। पर इंडिया जैसी कंट्री के अंदर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, बट इन्फ्लेशन भी है, महंगाई भी फिर उस हिसाब से है। सो आपको अपनी कैलकुलेशन जरूर करके चलनी है। सो अगर हम यहाँ पे 15% के हिसाब से देखें, सो आपके पास तकरीबन 31 करोड़ रुपया होगा आज से 40 साल बाद, जो आज का कितना होगा अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्ट कर देंगे, सो इट विल बी 4.7 करोड़ रुपीज। अब मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ विच कैन चेंज योर लाइफ।
तो अभी तक तो ये सब कुछ पता है आपको, जनरल चीजें पता है, कुछ चीजें मैंने बता दी होंगी, बट अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज की जो कई सारे लोगों को नहीं पता होगा। सो आज आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो, एग्जाम्पल के लिए आप 500 रुपए भी कर सकते हो, मतलब SIP में ऐसा कुछ नहीं होता, आप 500 रुपए के हिसाब से भी आपका पैसा काफी बढ़ सकता है। पर आज 500 रुपए है या आज 10,000 है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क यह पड़ेगा, देखो आज आपकी इनकम के हिसाब से आप 10,000 रुपए निकाल पा रहे हो, 1,000 निकाल पा रहे हो, 5,000 निकाल पा रहे हो, आपको हर साल आपकी सैलरी पे एग्जाम्पल के लिए इंक्रीमेंट मिलता है। अब यहाँ पे कई सारे लोग बोलेंगे सर कैसी बातें कर रहे हो, हर साल नहीं मिलता सर, 2 साल में 3 साल में एक बार मिलता है। आई अंडरस्टैंड इंडिया में ऐसा होता है, बट यस आपकी इनकम या सैलरी स्टेप बाय स्टेप ईयरली बेसिस पे बढ़ेगी, 3 साल में इकट्ठी बढ़ जाएगी या 2 साल में इकट्ठी बढ़ जाएगी, बट एवरेज आप कहते हो कि मेरी हर साल एग्जाम्पल 10% सैलरी बढ़ती है, तो अगर मैं 20,000 कमा रहा था तो अगले साल मैं 22,000 कमाऊंगा, अगर मैं 50,000 कमा रहा था तो अगले साल मैं 55,000 कमाऊंगा, आपको ऐसा लगता है और ऐसा होता भी है जनरली, कई लोगों की 10% के हिसाब से इंक्रीमेंट होता भी है। तो अगर आपका 10% के हिसाब से इंक्रीमेंट होता है तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी इन्वेस्टमेंट का भी 10% के हिसाब से इंक्रीमेंट होना चाहिए? अगर आपकी इन्वेस्टमेंट का भी 10% के हिसाब से इंक्रीमेंट हो तो इसे हम बोलते हैं स्टेप अप SIP। अब ये एक नया फीचर है जो हर जगह अवेलेबल नहीं है, मैं आपको बता दूंगा कि कहां पे आपको मिलेगा। तो अगर आप स्टेप अप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करोगे तो आइए देखते हैं जादू क्या होगा। सो हम यहां पर स्क्रीन पर आ जाते हैं, ठीक है, एंड वी विल सी कि द मैजिक, कि क्या मैजिक होगा। तो यहां पर आप देखिए एग्जांपल, आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और आपको 12% की रिटर्न मिलती है, और हमसे 10% की एवरेज ले लेते हैं कि हमारी ग्रोथ इन इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10% के हिसाब से होगी पर एनम के हिसाब से, और हम वही एक लॉन्ग टर्म होराइजन की बात करते हैं, 40 साल का 10 ईयर ले लेते हैं। तो हम कैलकुलेट माय रिटर्न्स पे हम जब जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका टोटल कॉर्पस वैल्यू जो आएगी 31.85 करोड़ आएगी। 10,000 रुपए आपने इन्वेस्ट करना शुरू किया, पर 10% के हिसाब से आपने, जैसे इस साल 10,000 आप इन्वेस्ट कर रहे थे हर महीने के हिसाब से, अगले साल से आपने 10% के हिसाब से 11,000 इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, और अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को भी कंपाउंड करोगे तो पैसा 31.85 CRR है, जो कि नॉर्मली 12% के हिसाब से हमने कैलकुलेट, यहाँ पे तो चलो 15 कर रहा था, मैं 12 कर दूं और इसे कैलकुलेट करूं, और ये मैं इन्फ्लेशन एडजस्टेड हटा देता हूं, तो ये 10,000 रुपए अगर आप स्टेप अप के थ्रू नहीं करते, नॉर्मल SIPs करते हो जो कि सब कर रहे हैं, तो वो 11.9 करोड़ होगा, और अगर आप स्टेप अप SIP करोगे सो वही 12% के रिटर्न के हिसाब से आपकी अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ती है तो 31.85 करोड़ होगा। सो अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको स्टेप अप SIP का फीचर अच्छा लगा या नहीं लगा। आपके तो 10% नहीं यार, मैं तो सिर्फ 5% बढ़ाना चाहता हूं, तो 5% के हिसाब से रिटर्न देख लो, तो 5% के हिसाब से भी 16 करोड़ रुपए होगा, जो कि अगर आप नहीं बढ़ाते तो वो 11.9 करोड़ था। सो दिस इज अ फीचर ऑफ स्टेप अप SIP। सिमिलरली आज जो मेरी इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, जरूरी नहीं है कि मैं यही इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू करूंगा, सो मुझे भी स्टेप अप SIP समझ आ चुकी है, तो जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी मुझे लगेगा कि और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हम और ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब एक और कॉन्सेप्ट होता है, ये भी लोगों को नहीं पता होता। अब ये स्टेप अप SIP आपको फीचर कहां मिलेगा, इसके ऊपर भी मैं बात कर लेता हूं, और एक एक्स्ट्रा फीचर को भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। सो आप सिंपली सैमको के प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो। सैमको के प्लेटफॉर्म पे आपको जो रिसर्च मिलती है वो तो खैर एवन मिलती है। रीजन क्या है कि वो सिर्फ फंड्स को ही रैंकिंग नहीं देते, वो फंड्स के अंदर कौन से स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है उसके बेसिस पे रैंकिंग देते हैं, तो रिसर्च बहुत अच्छी है। दूसरी चीज, आपको यहाँ पे स्टेप अप SIP तो मिलता ही है, एक बहुत अमेजिंग फीचर है जो लोगों को पता होना चाहिए, विच इज स्मार्ट SIP। अब स्मार्ट SIP क्या होती है कि मार्केट में कभी कभी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो जाता है। आप देखते हो मार्केट जब बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो जाता है, और जो कि आम इंसान को नहीं पता लगता, तो ओवर वैल्यूएशन के बाद मार्केट करेक्ट होता है। तो स्मार्ट SIP क्या करता है, आप हर महीने इन्वेस्ट तो कर रहे हो, पर जब मार्केट एक सर्टेन पॉइंट के बाद ओवर वैल्यूड होना शुरू हो जाएगा तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे हम इक्विटी में कर रहे थे, इक्विटी क्या होता है, हाईली रिस्की होता है। मान लीजिए किसी ने यहीं पे इन्वेस्टमेंट शुरू किया और उसके बाद एकदम से मार्केट गिर गई तो उसे लगेगा यार मेरे को तो नेगेटिव रिटर्न्स दिखा रहा है। पर स्टेप अप SIP आप कर रहे थे वो एक अलग चीज है। स्मार्ट SIP से क्या होगा, आपका पैसा उस टाइम पे इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाएगा ही नहीं, वो लिक्विड फंड्स में चला जाएगा। अब लिक्विड फंड्स क्या होते हैं, अब हमने डेट फंड्स की बात करी थी स्टार्टिंग में, अगर आपको याद हो तो, जिसमें आपको एक इंटरेस्ट मिलता ही है, मतलब वो आपको ये है कि इतना वॉलेटाइल नहीं है, मार्केट फ्लक्चुएशन के ऊपर आपकी जो इंटरेस्ट है वो डिपेंडेंट नहीं होता, तो आपका पैसा बढ़ेगा चाहे कम परसेंटेज से बढ़े, बट उस टाइम पे मार्केट ओवर वैल्यूड है तो लिक्विड फंड से भी आपको इंटरेस्ट आ रहा है, और जब मार्केट
अपने एक राइट वैल्यूएशन के आसपास आ जाती है तो फिर दोबारा से आपका पैसा इन्वेस्ट होना शुरू हो जाता है। कभी भी अगर मार्केट ओवरवैल्यूड होगी तो वो आपकी एसआईपी ऑटोमेटिकली रोक देगा और लिक्विड फंड में पैसा लगाना शुरू कर देगा। और जब मार्केट दोबारा से करेक्ट होगी तो होगा क्या, और राइट वैल्यूएशन पे आ जाएगी तो वो आपकी एसआईपी को कंटिन्यू रखेगा। इससे आप लोगों को काफी फायदा हो सकता है। सो मैंने यहाँ पे आपको दो फीचर्स बताए हैं जो कि काफी यूनिक हैं, जो कि आपको सैमको के प्लेटफॉर्म में मिलते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके सैमको पे फ्री में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं, डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर ट्रेड करना चाहें ट्रेड भी कर सकते हैं, एंड खासकर अगर आपको एसआईपी शुरू करनी है सो आपको काफी फायदा मिलने वाला है स्टेप अप एसआईपी के साथ और स्मार्ट एसआईपी के साथ। सो अब चाहे 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट से भी अगर आप शुरुआत करते हैं सो व्हाट विल हैपन, हम इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, और 500 रुपए की भी शुरू करते हो तो स्टेप अप वाली करना, उसका रीजन बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर आप सिंपली 500 रुपीज की इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करते हैं और हम मान लेते हैं आपको 15% के रिटर्न मिल जाते हैं, आज आपको लग रहा है 500 रुपए क्या ही है, बट ये भी आपका 1.6 करोड़ रुपीस बन जाएगा अगर आपको लगभग 15% की एनुअल यहां पर आपको रिटर्न्स आ जाते हैं। पर अगर आप स्टेप अप एसआईपी करते हैं सिर्फ 500 रुपए की तो क्या होगा, हम इसकी बात कर लेते हैं। 500 रुपीस की ही इन्वेस्टमेंट अगर हम कहते हैं हम चलो 10% से ग्रो करेंगे, हम 10 ले लेते हैं कंजर्वेटिव साइड में, और अगर हमें 15% की रिटर्न्स मिल जाती हैं सो आप कैलकुलेट कीजिए, वहां पे आपको दिख रहा था सिर्फ 1.6 करोड़ और यहां पर आपको दिख रहा है 3.01 करोड़, ऑलमोस्ट डबल रिटर्न्स। 500 रुपए महीने से भी 3 करोड़ रुपए का कॉर्पस बन सकता है अगर आप स्टेप अप के थ्रू जाते हैं। सो चॉइस इज योर्स, मैं आपको यही बोलूंगा कि आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए आपको कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, आपका होराइजन क्या है, एंड फिर आप स्मार्ट एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी को चूज करके इन्वेस्टमेंट कीजिए जिससे आपको ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिले। लिंक आपको सैमको का डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि इस वीडियो से काफी सारे लोगों को वैल्यू मिल सकती है। प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं, एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।